सो हम लोग कुछ और एप्लीकेशन भी देखते हैं, राइट? नेक्स्ट में लिख रहा हूं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx, राइट? क्या ये रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली, है ना? ओके, सो देखिए, अगर अगर हम लोग कोई भी फंक्शन लिखते हैं y equals to fx, ठीक है, अगर x square कुछ भी ऐसा कुछ आ जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है ना। मैं चाह रहा हूं कि इसको ना मैं एक बार ऐसे कुछ ड्रॉ करते हैं, है ना। सपोज कुछ ऐसा, इसको हमने ये y एक्सिस है, ये अपना x एक्सिस है, है ना, और हमने ड्रॉ करा तो कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ मिल सकता है ना, कुछ टेढ़ा मेढ़ा और भी हो सकता है, राइट? अगर ये ऐसा रहा, हाँ, तो हम आपको कुछ लाइनें खींच रहे हैं और समझना है क्या क्या। अगर मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूं, है ना, मैं बेसिकली बात कर रहा हूं, लेट्स से ए और ये है बी, ठीक है। तो आप जानते हो कि हम लाइन ए बी को, जो लाइन हमारा ए बी है, उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, कॉर्ड बोलते हैं। आई होप आपको पता भी होना चाहिए ना। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट को एक्स ए और वाई ए लिख दे, ठीक है ना, एक्स ए वाई ए, और इसके कोऑर्डिनेट को एक्स बी एंड वाई बी लिख देते हैं, समझे? हाँ, अब अगर अगर इसका कुछ और कंस्ट्रक्शन करें, थोड़ा सा देखते हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। हाँ ना, ध्यान देना, जो जो एंगल अगर मैं इसको लिखूं, इतने से इसको मैं फाइव लिखता हूं, हाँ, तो वही एंगल हमारा ये भी आएगा, एंड दिस इज व्हाट फाइव, लिख सकते हैं ना। अब देखिए, अगर ये ए बी, चलिए हम इसको एम मान लेते हैं, है ना, तो आप बताओ कि अगर हम टैन फाई लिखें, टैन फाई लिख रहे हैं, और ये है ट्रायंगल हमारा ए बी एम, है ना, ट्रायंगल ए बी एम है, टैन फाई कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। होगा अगर मैं ए एम की बात करूंगा, ये इतना, तो देखिए ये पूरा कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक तो वाई ए है, वाई ए है, में से इतना आप माइनस कर दीजिए वाई बी, ठीक है, और इसी को हम लोग लिख लेते हैं डेल्टा वाई, समझे? हाँ ना। सिमिलरली मैं बोलूंगा कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना, ठीक है ना, तो ये एक्स ए, इसमें से इतना बी वाला माइनस कर दीजिए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो चीज अपने को लिखा जा रहा है, ये अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा यहां से लेकर और यहां तक, तो यही मेरा डेल्टा एक्स है, एक्स ए माइनस एक्स बी। आप देख लीजिए, ये है वाई ए माइनस वाई बी अपॉन एक्स ए माइनस एक्स बी, दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, समझे? ये आप थोड़ा ध्यान रखो, ठीक ना। अब क्या करते हैं ना, हाँ, ना क्या करिए, हाँ, टेकिंग दिस लाइन ए बी एज ए वायर, है ना, मानते हैं, और बी पर अपन पकड़ लेते हैं और थोड़ा सा घुमाएंगे,
मैं ऐसा बात बोल रहा हूं कि अगर मैं इसको इस तरीके से करने की कोशिश करूं, ठीक है, ये ए डैश, हाँ, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, आप ये रहिए, मैं इसको लिख ले रहा हूं एम डैश, हाँ, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो, अगर बात करी जाए कि फॉर ए डैश, तो आप देख रहे हैं कि मेरा डेल्टा एक्स इज डिक्रीजिंग, हाँ, डेल्टा एक्स हमारा कम होता जा रहा है, हाँ। नाउ इसी चीज को आप इस तरीके से कर दो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ना, कि इस लाइन को ऐसे करते 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 हम ऐसा काम करें कि जस्ट ये जो क्या बोलोगे लाइन है वो आपका इस तरीके से पहले तो जो जा रहा था, ठीक है ना, हाँ जी, हाँ ना, क्या करते हैं कि इसको हम इस तरीके से धीरे 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 ऐसे करके, तो आप देखो कि ये bm जो है वो छोटा होता जा रहा है ना, और लाइए ऐसा सिचुएशन आएगा कि जस्ट ये यहां से b पर टच होते हुए चला जाए, समझे ये चीज है ना। तो आप बताओ जितना एंगल आपका ये थीटा होगा उतना ही ये भी एंगल क्या आएगा, थीटा। ये जरूरी नहीं है कि ये ओरिजिन से पास करे, आगे पीछे भी हो सकता है, उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट ध्यान से। और इसी लाइन को हम लोग लिखते हैं टेंजेंट, हाँ। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, हम जानते हैं ये हमारा क्या हो जाता है, डी वाई बाई क्या, डी एक्स। इस चीज में अगर ये इंटरवल को हम छोटा करते 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 इतना छोटा है कि ये नहीं होता कि दोनों एक ही जगह पर ओवरलैप कर जाए, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। और आप यही जान रहे हो कि जितना ये एंगल था और यही हमारा जो आता है, यही चीज हमारा क्या होता है, टैन थीटा। ना अगर आप बेटर तरीके से थोड़ा आइडिया है तो हम लोग लिखते हैं क्या, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, हाँ जी, एट अ पॉइंट, कहीं पर भी हो सकता है, अभी फिलहाल जो है वो बी पर है, ठीक है। तो वो क्या दे देता है, ये dy by dx ही हमारा tan थीटा देता है और यही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, समझ रहे हैं, कौन से कर्व पर, ये y, जो भी आपका y रहेगा, है ना। मींस का अब आगे से ध्यान रखेंगे कि अगर हम dy by dx निकालते हैं, ठीक है, और dy by dx निकाला, ठीक ना, तो वो dy by dx कहीं का भी हो सकता है। अगर मैंने इसको लिख दिया कि dy by dx, अगर हमने कहां पर लिखा है, ये b पर, x से b कॉमा y b, तो ये आपको बता देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कहां पर, b, जो भी पॉइंट है x b कॉमा y b, हाँ, ठीक है। तो अब से जो हमारा tan थीटा है या tan थीटा dy by dx होता है, मतलब dy by dx निकालते हैं तो वो एक स्लोप बनता है टू द कर्व, कहां पर, जहां पर भी आप निकालेंगे, b पर निकालना है b पर, a पर निकालना है a पर, मतलब dy by dx जनरल निकालेंगे और जो भी इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी आप रख दीजिए, दैट विल गिव यू व्हाट, स्लोप, व्हिच इज व्हाट, tan थीटा। नाउ नेक्स्ट, अगर हम लोग कुछ लाइन को ना ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, हाँ, उसमें देखते हैं क्या करा जा सकता है। ओके, देखिए हम लोग ड्रॉ अ लाइन,
y इक्वल्स टू रूट थ्री एक्स प्लस टू, है ना, मैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मैं लिखता हूं, है ना। देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहला काम मैं आपको क्या बोलना चाहूंगा ना कि आप लोग जैसे भी लाइन ज्वाइन करना चाहें, y की वैल्यू दी हुई है, x का वैल्यू हम लोग लिख के ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि नहीं होता है कि एक तरफ आप y लिख लो, x लिख लो, दूसरी तरफ आप y लिख लीजिए रूट थ्री एक्स प्लस टू, है ना, और आप इसकी x की वैल्यू को लिख दो और सिमिलरली y को वैल्यू को लिख दो। हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, अगर 0 लिख दिया तो y इक्वल्स टू कितना रहेगा, 0 प्लस 2 यानी कि 2, सॉरी 2, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर 1 लिख लो तो y इक्वल्स टू रूट थ्री इंटू 1 प्लस 2 यानी कि 2 प्लस रूट थ्री, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बट मैं क्या बोलूंगा ना कि अब हम इस तरीके को नहीं करते हैं। कैसे करते हैं देख लेना, क्या देखते हैं, हाँ पहले जो हमें ये तो गिवन है, ऐसा करके आप पॉइंट अरेंज करके नहीं होता कि हम लोग इस तरीके से और अरेंज करके आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं जैसा भी रहेगा इधर उधर करके, बट मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये तरीका देखिए क्या, हमें y गिवन है जो भी है रूट थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। तो देखो हमारे लिए बहुत जरूरी चीज होता है एक एंगल, एंगल पता चल जाएगा टैन थीटा तो हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं। क्या पहला काम, देखो अगर हम लोग dy by dx लिखते हैं तो dy by dx हमको पता है कि ये हमारा tan theta होता है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट करने का मतलब रूट थ्री तो कांस्टेंट है बाहर रख लीजिए और प्लस साइन, और केवल ओनली कांस्टेंट होता है तो उसका हम लोग जानते हैं कि ये कितना, जीरो, मतलब ये रूट थ्री इंटू वन। आप tan थीटा की वैल्यू अगर tan थीटा रूट थ्री आ रहा है तो थीटा आप लोगों को पता होना चाहिए 60, या अगर टेढ़ा मेढ़ा आएगा तो हम इतना ध्यान रखेंगे कि tan थीटा अगर आपका पॉजिटिव है तो थीटा छोटा ही होगा, कितने से, 90 से, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि हम लोग जो ड्रॉ करते हैं वो फ्री हैंड करते हैं ना। एक तो हमें एंगल पता चल गया, दूसरा एक सबसे सिंपल पहला इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है। दूसरा इंफॉर्मेशन आप ये देख लो ना कि ये वाई एक्सिस को कहां कट करता है, हाँ कट बाय द लाइन ऑन वाई एक्सिस, इसका मतलब ये है कि एक समय क्या होना चाहिए, जीरो, हाँ। तो दिस इंप्लाइज कि y x की वैल्यू को जीरो लिख लीजिए, है ना, इसका मतलब ये है, कट करने का मतलब ये है y एक्सिस पे कि x क्या हो जाए, जीरो। तो ये आ गया y इक्वल्स टू कितना, टू। मैं बोल रहा हूं कि केवल ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम पूरे दुनिया की सारी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। नाउ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो कैसे करेंगे हम लोग, जो भी x और y लिखते हैं है ना, x y, हाँ। अब x equals to 0 मतलब ये y एक्सिस होता है, यही लाइन है, x equals to कितना, 0, हाँ। तो x जब 0 है तो y 2 है, मतलब समझ में ही लिख लेते हैं, ये रहा हमारा, है ना। और पता है ये जो थीटा है, थीटा का मतलब होता है कि एंगल मेड बाय लाइन विथ द एक्स एक्सिस, आप चाहें तो लिख लीजिए क्या, एंगल मेड है जी, एंगल मेड बाय लाइन विथ किसके एक्स एक्सिस, हाँ। नाउ अगर इस चीज को लिखेंगे तो देखिए
मैं ड्रॉ करने के लिए आप एक ना ये 0.2 आप समझ गए, ठीक है, जो भी पॉइंट होगा यहाँ से पास कर रहा है लाइन, है ना। इस कोऑर्डिनेट को अगर मैं पी मानूंगा तो आप लिख सकते हो 0.2, ये रहा हमारा पॉइंट पी। नाउ काम क्या करना है, ये पॉइंट पी, तो हम यहां पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जितना एक्स एक्सिस एंगल होगा उतना ही यहीं से ये 60 डिग्री अंदाजे से आप लिख लो, ये रहा हमारा थीटा इक्वल्स टू कितना 60 डिग्री, और आप इसको बस हो गया। हाँ थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि हम लोग फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं, बट इतना ध्यान रखिए आप इस लाइन को अगर ऐसा ड्रॉ कर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब आप कुछ ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका थीटा देख लीजिए, ये थीटा ग्रेटर देन 90 है, हाँ, बट ये जो थीटा जितना यहाँ है वही थीटा आपका यहाँ पर भी होगा, आप जानते हैं, हाँ जी, और ऑफ कोर्स ये ग्रेटर देन क्या है, सॉरी लेस देन क्या है 90, है ना। दूसरा ये तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए गड़बड़ी, ठीक है ना, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे हो जाए तो चलेगा ना। कुछ और लाइनें हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं, या मैं बोलूं कि हम लोग हमेशा ऐसे ही लेके आएंगे, क्या हम स्ट्रेट लाइन को मैं आपको लिखता हूं, देखिए आप लोग स्ट्रेट लाइन जैसा भी पढ़े होंगे अब इस तरीके से ही हम लोग याद रखेंगे और यूज भी करेंगे। मैं लिखता हूं स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग यही लिखेंगे y=mx + c, बस इसी के जैसा, अगर इधर उधर देगा भी तो हम ऐसे में ले आएंगे, वेयर आप जानते हैं m ही जो है वो tan थीटा होता है, यही हमारा dy क्या है dx है, ये है ना, और इसी बात को हम लोग लिखते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। नाउ c जो है क्या है, एंड x=0 लिखोगे तो y=m(0+c), y=c, हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट विथ y-axis, इसका मतलब ही है दैट इज x क्या हो रहा है 0, मतलब वो y-axis को कहां कट कर रहा है। Now, आगे से हमारा इसी फॉर्मेट में लाइन को हम ले आएंगे, अगर नहीं दिया है तो भी हम इधर उधर करके ऐसे ही ले आएंगे, ओके? और इससे हमारा काम चल जाएगा, है ना। जैसे देखिए एक दो में एग्जांपल लिख के बताता हूं और क्या मतलब है ये भी समझाता हूं। देखिए y = y-x = आप लिख सकते हैं, चलिए मैं 3 लिख दिया, ड्रॉ दिस लाइन, है ना, तो सिंपल है, जानबूझ के लिखा भी है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे y-x = 3 दिया है ना, हमें कंपेयर करना है y = mx + c से, तो मैं y = x + 3 लिख लेता हूं, हाँ ठीक है ना, and this implies कि आप देख रहे हो m की वैल्यू 1 है, मतलब यही हमारा tan थीटा है, and this implies थीटा कितना होगा 45, I hope कि बेसिक एंगल पता होना चाहिए, हाँ नहीं तो हम इतना जरूर लिखेंगे कि tan थीटा अगर आपका पॉजिटिव है बी केयरफुल तो थीटा आपका 90 से कम ही आएगा, इतना आप जरूर याद कर लीजिए, समझे, हाँ जी, कुछ भी वैल्यू ना, एंड सी की वैल्यू आप डायरेक्टली 3, मैं बोलूंगा लाइन इस तरीके से बिल्कुल हम ड्रॉ कर सकते हैं, सी की वैल्यू 3 लिख लो, तो y 3 जो भी है p, 0, 3,
और यहीं पर एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि 45 डिग्री एंगल बनाता है, तो 45 डिग्री एंगल बना लीजिए, जितना एंगल इससे बनाएगा उतना ही एंगल ये आपका आगे चल के एक्स एक्सिस से भी बनाएगा, ये जो भी हम इसको थीटा लिखना चाहें तो थीटा लिख रहे हैं 45, तो दिस वैल्यू इज अगेन कितना 45, है ना। बस इन अ सिंपल वे, एक तो हमें सी चाहिए कहां पे कट कर रहा है और दूसरा कितना एंगल है ना। थोड़ा टेढ़ा भी हुआ तो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं क्या है, देखिए अगर लिखते हैं ड्रॉ द लाइन, हाँ 7x प्लस 3y इक्वल्स टू, चलिए 6 लिख लेते हैं, या ऐसा करते हैं प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ऐसे भी लिख लिया जाता है। तो हमको जैसा दिया हुआ है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम कोशिश यही रखेंगे कि हम इस फॉर्मेट में चले जाएं। मतलब पहला काम तो मेरा यहीं पर है कि सिंस हम कंपेयर करेंगे दिया हुआ है 7x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इंप्लाइज कि 3y इक्वल्स टू माइनस 7x माइनस 6, और बिल्कुल y लिख लेना 7/3 इंटू एक्स माइनस 6/3 और y इक्वल्स टू माइनस 7/3 एक्स माइनस 2। देखिए मेरा और वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है कि हम इसको इससे कंपेयर कर पाए क्या, एंड दिस इंप्लाइज कि m की वैल्यू माइनस 7/3, यही tan थीटा होता है क्या, tan थीटा फिलहाल कुछ भी हो है तो ये नेगेटिव, और दिस इंप्लाइज आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये 90 से क्या आएगा बड़ा, बिल्कुल। दूसरा एंड सी जो है वो भी माइनस 2 है, मतलब इंटरसेप्ट भी माइनस 2 है ना। अब इस लाइन को ड्रॉ करना है तो मैं बोलूंगा कि आप ड्रॉ जरूर कर सकते हैं और बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, है ना। इसके लिए अगर ड्रॉ करने की बात है तो मैं यहां पर भी ड्रॉ कर सकता हूं, है ना। चलिए इधर लिख लेते हैं, y एक्सिस x एक्सिस है ना। नाउ c है, पहले ड्रॉ कर लीजिए, ये रहा हमारा कोई भी पॉइंट P0, -2 है ना, c इंटरसेप्ट होता है ना, x इक्वल्स टू क्या 0 तो y इक्वल्स टू हमारा माइनस 2 है, यही है इंटरसेप्ट विथ किसके y एक्सिस। ओके नाउ अब देखो यहीं पर हमें एंगल ड्रॉ करना है और एंगल इतना जरूर पता है कि ये 90 से बड़ा है, तो कितना बड़ा अंदाजे से करना है, एकदम एक्यूरेट नहीं जाना है। 180 90 ये आ जाएगा 90 है ना, ये 90 है, 90 से बड़ा ये, राइट, दैट्स ऑल। ये एंगल भी वही है, यही थीटा है जो कि ग्रेटर देन कितना है 90 है, इंटरसेप्ट ये है और दिस इज आवर लाइन। मैं बोलूंगा आप इतना अगर ड्रॉ कर पाते हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, है ना, हमारा इससे काम चल जाएगा। ओके